From Gujarat Directorate, would firstly like to extend our heartfelt gratitude for our presence among us. On 8 December 2023, we undertook a challenge, the Mega Satellathon, conducted by 13 SW cadets, who will be covering a total of 3,232 kilometers in 33 riding days, at an average of 97 kilometers per day. Today, at our 11th halt, Bambolim, we have already completed 1,144 kilometers. We started off from Kanyakumari and will be flagged in at Delhi by the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. Sir, as we all know, India has combated its past burdens resiliently for 75 years and has emerged as an economic giant and responsible global leader, one of the biggest catalysts that would aid the continuity story of this growth is to make it known to its youth and make them believe in the capability of carrying it forward. Sir, though society may not acknowledge the fact, but the reality is, women are the equal contributors towards the growth of India. These are very visible from the pictures of Chandrayaan 3 and the Asian Games. NCC, an important instrument that has been working towards the growth of India and the empowerment of women. So this mega cyclothon, dedicated towards the women of India, and will prove it's an assailable Mahila Shakti. During this course of event, we have already visited the Naval Academy and will visit the Commando Training School and the NDA Khadakwasla. We are very excited and looking forward for the journey ahead. Thank you and Jai Hind. Thank you. Thank you. Jain sir, Cadet Margi Pari. Jain sir, Cadet Gupta Nikita. Jain sir, Senior Under Officer Usha Mali. Jain sir, Cadet Khushbu Kumari. Jain sir, Cadet Hitul Mokwana. Jain sir, Cadet Nishita Rathwa. Jain sir, CMS Nithal Avari. Yes, yes sir. Jain sir, Corporal Rishi Naika. जैन आई सीनियर अंडर ऑफिसर उषा माली फ्रॉम गुजरात। आज़ादी के पहले 75 वर्षों में चुनौतीपूर्ण कार्य करते हुए हमारा राष्ट्र आर्थिक शक्ति और जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में उभर के आया है। देश का एक वर्ग, समाज का एक वर्ग महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करता, परंतु सच्चाई यह है कि महिलाएं भी बराबर की भागीदार बनी है। इसका प्रमाण हाल ही में लॉन्च हुए चंद्रयान 3 के द्वारा और एशियंस गेम्स में देखा गया है। एनसीसी महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। महिला शक्ति का अभेद्य सफर नाम की यह रैली, कन्याकुमारी से शुरू हुई यह रैली दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फ्लैग इन की जाएगी। 32 दिन में 3,235 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। लगभग प्रतिदिन 97 किलोमीटर तय करते हुए हम केरला, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र से होते हुए 31 दिसंबर 2023 को गुजरात में प्रविष्टित होंगे। यह सफर में हमने INA नेवल एकेडमी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगे के सफर में हम NDA कमांडो ट्रेनिंग स्कूल से मिलने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और अजमेर, उदयपुर, जयपुर से होते हुए 21 जनवरी 2024 को दिल्ली में प्रविष्टित करेंगे। यह सफर ने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है और हम आप सबके आभारी हैं। जय हिंद। कुछ चैलेंज आया बीच में, यहाँ इतने दिन सफ़र किया आपने? सर, 8 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, कन्याकुमारी से हमारा फ्लैग ऑफ हुआ था। कोई चैलेंजेस? अब चैलेंजेस तो आने, अब इतना बड़ा चैलेंज हमने
अटेम्प्ट कर ही लिया है, मतलब अब सोच ही लिया है कि जाना है, तो फिर बस मजे कर रहे हैं, जा रहे हैं, पूरा देश भर घूम रहे हैं। रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हुआ, ट्रैफिक और सर? अब वो तो अब रास्ता है, सड़क है, कहीं ट्रैफिक भी मिलेगा, कहीं गंदी सड़क भी मिलेगी, फिर भी अपने मजे से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आज यहाँ पहुँच गए, आज हमने अपने 10, ये आज 11वां दिन है राइड का, और हमने 1140 किलोमीटर जितना कंप्लीट कर लिया है, और हम सारे बड़े खुश हैं, बड़े मजे से हैं। सो यू आर एक्सपेक्टिंग एनी चैलेंज एंड यू आर एंजॉयिंग? यस, अभेद्य सफर है सर। ये हम प्रूफ कर रहे हैं कि भारत देश में महिलाएं पहले से ही शक्तिशाली है, बस हम ये अभेद्य सफर, मतलब कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी आ जाए, बारिश आ जाए, हमने रुकना नहीं है, चले चलना है। इसकी तैयारियां किस तरह से की है? ओके सर, सर इसकी तैयारियां हमारे कमांडर सर, ब्रिगेडियर NS चाराग सर, उन्होंने ही सब कुछ करवाया है। और कैंप चले थे सर पहले दो, और हम 13 लड़कियां हैं जो ये सफ़र तय कर रही है। वेदर पूरा चेंज हो जाएगा, अभी साउथ था तो सर, गर्मी थी, अभी नॉर्थ में ठंड शुरू हो जाएगी, तो उसको कैसा फेस करेंगे आप? सर बोल रही हूँ ना, मजे से चले चलेंगे, जो भी आएगा, अभेद्य सफर है, अब हमें पूरा करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बार आ जा सर, गुरुजी।